मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह सुबह यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। मैंने यहाँ पे ओट्स ले लिया है 2 कप, आधा कप लिया है बेसन, उसमें 2 अंडा मैं तोड़ के डाल दी हूँ, थोड़ा सा पानी और नमक मिला के इसको रेस्ट पे रख देना है। उससे पहले यहाँ पे डाल देना है काफ़ी सारे वेजिटेबल्स। वैसे आज मेरे घर पे इतना ज़्यादा वेजिटेबल्स था नहीं, तो मैंने सिर्फ प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता ही डाली है, साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर टेस्ट के लिए। और इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिला के रख देना है रेस्ट के लिए, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसका बहुत ही एक सुंदर सा चीला बना सकते हो। अगर आपके घर पे मटर, कैप्सिकम, गाजर और भी ब्रोकली वगैरह कुछ भी सब्जी है ना, उसको आप एकदम फाइनली चॉप करके इस चीला में डाल सकते हो। मैं आज बना रही हूँ ओट्स चीला, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत क्विकली बन भी जाता है। तवा यहाँ पे गर्म हो गया है, मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है इसमें, आप घी में भी बना सकते हो। और चीला को यानी बैटर को थोड़ा सा ऐसे फैला देना है। थोड़ा सा बैटर ही अगर आप फैलाओगे ना, तो बहुत अच्छे से ये स्प्रेड हो जाता है। फिर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करके दोनों साइड अच्छे से फ्राई कर लीजिए, और दही या तो फिर अचार या तो फिर केचप के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है, आप लोग ये डेफिनेटली ट्राई करना। ब्रेकफास्ट ख़त्म करती ही मैं यहाँ पे घर का कुछ छोटा मोटा काम अभी स्टार्ट कर रही हूँ। पहले ही सोचा कि क्यों ना कपड़े धो लेते हैं, ढेर सारे रेगुलर पहनने के कपड़े, बेडशीट, पिलो कवर, टॉवल, ये सब कुछ जम गया था। वैसे भी अभी दीदी आ गई है काम पे, तो आप देख सकते हो किचन में अभी दीदी काम कर रही है, बर्तन कर रही है, फिर झाड़ू पोछा करेगी, तो इस टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी किचन यूज़ नहीं कर पाऊँगी। तो सोचा बैठे बैठे क्या करूँ, क्यों ना कपड़े वगैरह सब कुछ धो डालती हूँ। और आज हवा भी काफ़ी चल रही है, अच्छी खासी धूप भी आई है, तो सारे कपड़े अगर सुबह सुबह धो के डाल दूँगी तो ये फटाफट सूख भी जाएगी, तो शाम के टाइम पर इसको फोल्ड करके अपने अपने जगह पर रख सकती हूँ। बाय द वे, आज घर थोड़ा सा खाली खाली सा है, क्योंकि सौरभ चला गया है, रात के 3:30 बजे उसका कैब आ गया था एयरपोर्ट के लिए, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा एक क्लिप बनाई थी, तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, आप लोग देख लीजिए। तो उसको मिस तो मैं डेफिनेटली कर ही रही हूँ, घर भी थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, थोड़ा मन भी ख़राब है सुबह से, तो सोचा काम में बिजी रहती हूँ तो माइंड भी डाइवर्ट रहेगा। सो टाइम अभी हो रही है सुबह के 3:30, बाहर तो पूरा अंधेरा है ऑब्वियसली। सौरभ यहाँ पे एकदम फुल रेडी हो गया है और कैब भी नीचे आ चुकी है। चाय वाय नहीं पियोगे? कुछ नहीं चाहिए। तो एयरपोर्ट में पी लेना, ठीक है? ओके। और बैग यहाँ पे रेडी सब ले लिया ना? रीचेक कर लिया? नहीं तो देख लो और एक बार, ये एयरपोर्ट में शो करने के लिए आईडी प्रूफ, पानी का बॉटल, चार्जर। सौरभ बोल रहा है कि बहन को और नहीं जगाएंगे अभी आधी रात को, लेकिन पापा ने बार बार बोल दिया था कि पापा को जगाने के लिए, इसलिए सौरभ अभी नॉक कर रहा है पापा को। छाड़ा दिलो बाबा, जगह आ चुका है। बाय बाय, एयरपोर्ट पहुंच के फोन करना। बहन अगर रहती है ना, तो वो मुझे काम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है। कल जैसे हम लोग जो सब कुछ शॉपिंग करके लेके आए थे ना, आप लोगों को लास्ट वीडियो में शेयर करने के बाद, वो सारे चीज़ें वैसे ही सोफे में पड़ा हुआ था, तो बहन अभी वही सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रही है। और उसको मैंने बोल दिया है लिविंग रूम भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए। एनीवेज, यहाँ पे देखिए हमारे नेबर जस्ट अभी आए थे और हमें देके गए हैं सोजने डाटा यानी ड्रम स्टिक्स। वो लोग अपने नेटिव प्लेस यानी गाँव से लेके आए थे। इतना मोटा मोटा डंठल है ना, हम लोग ये बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन ठीक है चलो, अगर वो लोग दिए हैं तो खाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे मैं अभी आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। तैयारी मैंने थोड़ा सा कर भी लिया है, आज चिकन बनाऊंगी। चिकन को मैंने मैरिनेट तो कर ही लिया है, साथ में आलू, प्याज, हरी मिर्ची सब कुछ यहाँ पे पापा ने काट दिए हैं, तो सिंपल सा चिकन कौशा ड्राई काइंड ऑफ मैं बनाऊंगी, सेमी ग्रेवी वाला। तो यहाँ पे प्याज, हरी मिर्ची, तेज पत्ता और कुछ खड़े गर्म मसाले ऑयल में फ्राई कर लिया है सरसों के तेल में, और अभी मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल दूंगी। चिकन में
में मैंने मैरिनेशन के टाइम पे डाली थी नमक, हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और लाल मिर्च का पाउडर, साथ में दही। तो इतना सब कुछ डाल के लगभग आधा घंटे के लिए मैं मैरिनेट करके रखी थी और अभी ऑयल में इसको मैंने डाल दिया है। बस कुछ नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, फिर आलू जो मैंने फ्राई करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक के पकाऊंगी तो चिकन भी अच्छे से बॉयल हो जाएगी और साथ में ग्रेवी सूखने तक इसको पकाने के बाद चिकन मसाला या तो फिर गरम मसाला डाल के इसको निकाल लेना है। मैं किचन में बिजी हूँ तो बहन ने यहाँ पे बेड वगैरह सब कुछ लगा लिया है और अभी फाइनली आ गया है नर्सरी वाला भैया। जो गमले हम लोग 3 दिन पहले ला के रखे थे ना, वो नर्सरी वाला भैया आने का टाइम ही नहीं मिल रहा था उनको, आज फाइनली आ गए हैं और यहाँ पे सारे पेड़ पौधे को रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खाद वाद डाल रहे हैं। देखिए मीनवाइल मेरे कपड़े धोने भी हो गए हैं तो बहन यहाँ पे सारे कपड़े को डाल रही है धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि अभी पापा भी बिजी है, पापा अभी नर्सरी वाला भैया के पास खड़े हैं, मैं किचन में बिजी हूँ, इसलिए बहन ही ये सब कुछ छोटा मोटा काम आज मुझे करके दे रही है। लंच बनाने के बाद मेरा नहाना भी हो गया है और अभी पेड़ पौधे से फूल तोड़ लूँगी भगवान को चढ़ाने के लिए। ट्रस्ट मी, इतने सारे फूल आजकल मेरे सारे पौधे में आ रहे हैं ना, बाज़ार से आज अभी हम लोगों को फूल खरीदने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। देखिए इतने सारे पौधे से मैं सारे फूल उठाती भी नहीं हूँ, कुछ कुछ फूल मैं पौधे में वैसे ही रख देती हूँ, कुछ कुछ मैं उठाती हूँ भगवान को चढ़ाने के लिए, उसके बावजूद भी इतने सारे फूल रहते हैं। और भगवान का सिंहासन तो जैसे एकदम क्या ही बोलूँ, इतना बढ़िया लगता है ना देखने के लिए, बहुत ही एक पॉजिटिविटी घर पे फील होती है आजकल हमारा फ्लावर्स के वजह से। और फ्रेग्रेंस तो क्या ही बोलूं, फ्रेग्रेंस तो है ही। तो अभी कर लेंगे लंच, यहाँ पे है चावल, साथ में कुछ सैलड यहाँ पे पापा ने काट लिए हैं, खीरा, बीटरूट, गाजर, मूली और नींबू वगैरह। दाल है यहाँ पे, एक मिक्स वेज है जो कि पापा ने बनाए हैं, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स और हमारे नेबर का दिया हुआ ड्रमस्टिक्स डाल के। और ये है चिकन कौशा यानी चिकन ड्राई जो कि मैंने बनाई है। तो लंच के बाद एक लंबी सी नैप लेने के बाद अभी मैं और बहन कर रहे हैं थोड़ा सा स्किन केयर। आप लोगों को तो पता ही है कि इन सारी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा आलसी फील करती हूँ, तो जब जब बहन आती है हम दोनों मिलके एक साथ ये सारे स्किन केयर करते हैं। तो आज यहाँ पे हम दोनों मिलके कुछ अप्लाई कर रहे हैं, फेस पैक होममेड है। बहन ने थोड़ा सा कॉफ़ी और बेसन, दही, रोज़ वाटर, ये सब कुछ मिला के एक फेस पैक रेडी की है जो कि उसने खुद भी अप्लाई की है और मुझे भी अप्लाई कर दिया है। तो इसको तो अभी रखना है जब तक ये सूख नहीं जाता है अच्छे से, लगभग 20-25 मिनट का टाइम तो लगेगा ही। तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे क्या करूँ, बोरी हो जाऊँगी, इससे अच्छा है कि मैं फटाफट से डिनर बना लेती हूँ। तो आज दोपहर का सब्जी तो है ही, यहाँ पे है मिक्स वेज और साथ में जो मैं चिकन बनाई थी वो भी बच गया था, तो दोनों को ही मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। पापा आटा लगा दिए थे, मैंने फटाफट से रोटी बना लिया है, तो डिनर विनर सब कुछ करेंगे। उसके बाद अप्लाई करना है हमें शीट मास्क। कल हम लोग मिनीसो से जो 4 शीट मास्क खरीद के लेके आए थे उसी में से ही मैं अभी कन्फ्यूज्ड हूँ कि मुझे कौन सा वाला अप्लाई करना चाहिए। फिर मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि मुझे एवोगाडो वाला अप्लाई करना है, क्योंकि एवोगाडो का शीट मास्क इससे पहले मैं कभी अप्लाई नहीं की थी। इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है और मेरे बहन ने अप्लाई की है सी वीड वाला, वो भी काफ़ी अच्छा था, दोनों का ही रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो इसको भी लगभग 15-20 मिनट के लिए हम लोग रखने के बाद इसको रिमूव कर दिए थे और हल्के हाथ से थोड़ा सा जो जेल होता है ना उसको मसाज करने के बाद हम लोग चले गए थे सोने।
गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए वॉशिंग मशीन का जो बालकनी है ना यूटिलिटी एरिया में, वॉशिंग मशीन के पीछे दो तीन कबूतर आके यहाँ पे अपना घोंसला बना रहे हैं। काफ़ी बार मैं यहाँ पे साफ़ कर चुकी हूँ, उसके बावजूद भी कहाँ कहाँ से गंदगी ले आके ये लोग यहाँ पे घोंसला बना रहे हैं। तो बार बार मैं जब भी देखती हूँ ना इसको मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि वो लोग दोबारा ना आए, लेकिन पता नहीं फिर भी बार बार आ रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है ना, इतना गंदा हो जाता है। एनीवेज अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे लंच की तैयारी। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। आज लंच में मैं बनाऊँगी पनीर वेजिटेबल पुलाव। तो पनीर को मैंने क्यूब में कट कर लिया था और अच्छे से उसको थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के फ्राई करने के बाद गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उसको डिप करके रखी है, क्योंकि ये पनीर जो है ना ये 3-4 दिन पुराना हो गया था। तो इसको अगर गर्म पानी में डिप करके रखेंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाता है। और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, आप लोग अगर चाहो तो घी भी डाल सकते हो। उसमें खड़े गर्म मसाले और तेज पत्ता वगैरह डालने के बाद प्याज, हरी मिर्ची और सारे वेजिटेबल्स जो जो आप ऐड करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे आलू, गाजर ये सब कुछ ऐड किया है और कुछ ड्राई स्पाइसेस जैसे कि नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, इतना ही बस। और जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, ये सब कुछ डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से हमें चला लेना है ताकि थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो जाए और सारी सब्जी का जो रॉ स्मेल है वो चला जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है ग्रीन पीस, इससे तो हेल्दी बनता ही है और कलरफुल भी बनता है। फिर बासमती राइस को मैंने आधा घंटा के लिए पानी में सोख करके रखी थी, तो वो बासमती राइस भी मैंने अभी यहाँ पे डाल दिया है। थोड़ा सा नमक भी डालना पड़ेगा जो कि मैं बाद में डालूँगी। तो इन सारे चीज़ों को कढ़ाई में अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, फिर इसको मैं डालूँगी कुकर में। हाँ, लेकिन उससे पहले फ्राई किया हुआ पनीर भी यहाँ पे हमें ऐड कर देना है। और कुकर में आपको क्या क्वांटिटी में पानी लेना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जितना आपका बासमती राइस है उसका एकदम दुगना आपको पानी लेना है, यानी डबल, तो एकदम खिली खिली चावल बनेगी। प्रेशर कुकर में सारी चीज़ों को डालने के बाद, पानी भी अंदाजा से डालने के बाद, थोड़ा सा नमक आपको डाल देना है। साथ में यहाँ पे मैं बिरयानी मसाला डाल रही हूँ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, और बस थोड़ी सी घी ताकि ये थोड़ा नॉन स्टिकी काइंड ऑफ बने। अभी इसको अच्छे से मिला देंगे और प्रेशर कुकर का लीड बंद करके मीडियम फ्लेम में एक सीटी लगा लेंगे और प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज होने तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बहन आज चली जाएगी शाम के टाइम पे, जिस वजह से यहाँ पे उसका पैकिंग चल रहा है। ये कुछ उसके यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वो पहनी थी, मुझे दिखा रही थी क्योंकि कॉलेज से यूनिफॉर्म दे दिया गया है, तो अच्छी लग रही थी वो। यहाँ पे उसका बैग पैकिंग चल रहा है। और ये है कुछ चीज़ें, ये पाउडर दूध जो है ना, कभी कभी वो हॉस्टल में चाय वाय बनाती है, वैसे उसके हॉस्टल में चाय कॉफ़ी सब कुछ देते हैं, उसके बावजूद भी पीने का लायक तो उसका जो पाउडर मिल्क है ना वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए मंगवा लिया है पाउडर मिल्क। साथ में ये कॉफ़ी हमारे घर पे ही था, ये देखिए, मैं बोलती हूँ ना बहन जब भी आती है मैं कॉफ़ी ला के रखती हूँ, तो आजकल हम लोग इतना ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह पसंद नहीं कर रहे हैं। कॉफ़ी पूरा आधा बॉटल पड़ा हुआ है, तो सोचा कि क्यों ना उसको ही दे देते हैं, वो हॉस्टल में कॉफ़ी बना के पी लेगी। और ये है एक चॉकलेट, साथ में है एक पेन। मेरे बहन के बर्थडे वाले व्लॉग में मैं आप लोगों को शेयर की थी ना कि त्रिशा मेरे बहन के लिए गिफ्ट भेजी थी, एक कैडबेरी डेयरी मिल्क भेजी थी और साथ में ये पेन भेजी थी। तो वो कैडबेरी डेयरी मिल्क तो ख़त्म हो गया था क्योंकि बहन आई थी काफ़ी दिन बाद ना, तो सौरभ और मैंने मिलके वो चॉकलेट खा ली थी। तो सौरभ ने बोल दिया था कि बहन आने से पहले दोबारा उसके लिए मंगवा के रखना, तो वो सेम चॉकलेट मुझे नहीं मिली। तो ये जो कैडबेरी का टेम्पटेशन है ना, आलमंड ट्रीट, ये भी मेरे बहन का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो सौरभ ने बोला कि ये एक मंगवा लो, तो ये मैंने ये मंगवा लिया है उसके लिए। और साथ में त्रिशा ने जो पेन दिया है, देखिए क्यूट सा, कितना क्यूट है तो ये सारा सब कुछ वो लेके जाएगी, तो मैंने बोला कि सब कुछ एक साथ बैग में तुम डाल दो। बाय द वे, मेरी बहन ने आज सौरभ का बॉक्सर पहन ली है एक्चुअली ये वाला सौरभ आजकल और पहनता नहीं है, तो बहन ने बोला कि ठीक है मैं पहन लेती हूँ, और उसको पहन के देखिए अच्छा भी लग रहा है, तो मैंने बोला कि ठीक है तुम लेके चले जाओ, वैसे भी सौरभ आजकल पहनता नहीं है। ठीक है, अच्छे से सब कुछ बैग में पैक कर लो, ठीक है। पुलाव के साथ यहाँ पे मैंने बना लिया है एक कौशा, हम लोग बंगाली में बोलते हैं डीम कौशा, और साथ में तो सैलड हमारा मैंडेटरी होता ही है। ये रेसिपी आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया बनी है। बाय बाय, फिर दुर्गा पूजा के टाइम पे आना।
अभी टाइम हो रही है रात के 10:30 और डिनर वगैरह हमारा सब कुछ हो गया है। अभी मैं आ गई हूँ सोने के लिए। सच बोलूँ तो शाम के टाइम से, मतलब दोपहर के बाद ही मैंने बिल्कुल भी और ब्लॉग कंटिन्यू नहीं की, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सौरभ को तो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, फिर भी बहन थी, बहन के साथ मेरा बहुत ही अच्छा खासा जमता है। हम दोनों अगर रहते हैं ना तो ऐसा फील होता है कि किसी को मिस नहीं कर रहे हैं हम दोनों। अगर एक साथ रहते हैं तो बस पूरा कायनात हमारे पास है, ऐसा फील होता है। लेकिन आज बहन भी चली गई है, पापा है, लेकिन पापा के साथ और कितना ही बातें बातें करूँ, है ना। तो घर बहुत सुना सुना सा लग रहा है और साथ में बहुत बोर भी फील कर रही हूँ, मन भी थोड़ा सा खराब लग रहा है। सौरभ को और बहन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि बहन तो अभी और आने वाली है नहीं, एकदम दुर्गा पूजा के टाइम पे जब उसकी कॉलेज छुट्टी रहेगी सिर्फ एक दिन दशहरा के दिन, क्योंकि बैंगलोर में तो वेस्ट बंगाल की तरह दुर्गा पूजा में 4-5 दिन तो छुट्टी नहीं रहती है ना। तो एक सैटरडे संडे भी मिली है दुर्गा पूजा में, शायद सप्तमी और अष्टमी सैटरडे संडे है, और नवमी उसने बोला है कि वो कॉलेज से छुट्टी ले लेगी, और दशमी यानी दशहरा को वैसे ही कर्नाटका में छुट्टी है। तो बस अभी वो आएगी दुर्गा पूजा के टाइम पे 4 दिन के लिए अभी। ठीक है, चलिए क्या ही कर सकते, उसको तो जाना ही पड़ेगा ना, उसका कॉलेज भी चल रहा है, सब कुछ है। तो अभी मैं सो जाऊंगी, अभी शाम के टाइम से इतना ज़्यादा बोर फील कर रही थी ना मैं, बस बेड पे लेटी हुई थी, थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक मूवी देखा मैंने, फिर वीडियो एडिटिंग का काम थोड़ा सा किया है। आज मैंने ना ही हेयर कॉम्बिंग की है, ना ही मैंने स्किन केयर की है, बस मेरे लिप्स में एक पिंपल आया था जिसको क्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है दुर्गा पूजा से पहले, जिस वजह से मैंने बस थोड़ा सा बोरोलिन अप्लाई करके रखी है। अभी मैं सो जाऊंगी, तो चलिए आज इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। कल सुबह सुबह मिलूंगी और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।